हे गाइस, व्हाट्स अप दोस्तों। आज एक खास वीडियो लाए हैं हम उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रेजेंटली बीजी फोर्थ सेम में हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर लाया है जो 2019 में पूछा गया था। जैसा कि आपको पता है, 2020 में कोविड सेशन चल रहा था, तो उस दौरान आपके फोर्थ सेम का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, तो इसलिए आपको 2020 का पेपर अवेलेबल नहीं हो सकता है। सो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, बने रहे हमारे साथ वीडियो में, वीडियो को स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन से। गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन टुक प्लेस। इसका सही ऑप्शन है गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इन क्यूबा 1961। अगला सवाल है, द स्टेट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए नेसेसरी एविल बाय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ थॉमस पेस। अगला सवाल है गाइस, इन वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस कोर ऑफ द कोर सजेस्टिस। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रिच कंट्रीज। अगला सवाल है गाइस, द ओपन डोर पॉलिसी इन चाइना वॉज अडॉप्टेड बाई। इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ डेंग जी पिंग है गाइस, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पेल मिस्टेक करी है, पोंग लिखा है। अगला सवाल है गाइस, द करेंसी ऑफ जापान इज नोन एज। ये तो आपको सभी को पता होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ येन। अगला सवाल है गाइस, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड जापान फॉलोवर्ड द बिलो मेंशन इट पाथ ऑफ डेवलपमेंट। इसका सही ऑप्शन है गाइज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द एबो। अगला सवाल है, डब्ल्यू एम डी स्टैंड्स फॉर। इसका सही ऑप्शन है गाइज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। आपका अगला सवाल है गाइज, द न्यू कोल्ड वॉर बिगेन विद द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान बाई। इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ USSR। आपका नाइन्थ क्वेश्चन है गाइज, द पंगशील एग्रीमेंट इंक्लूड्स मैनी प्रिंसिपल्स, हाउ एवर द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इट। इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर। अगला सवाल है गाइज, द बुक एंटाइटल्ड रोड टू सेल्फडॉम इज रिटन बाई। इसका सही आंसर है गाइज एफ ए हयाग, दैट इज ऑप्शन बी। अगला सवाल है गाइज, न्यू लिबरलिज्म फोकसेस अपॉन। इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबो। अगला सवाल है गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद न्यू रियलिज्म। इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थॉमस हॉबस। अगला सवाल है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ रियलिज्म। इसका सही आंसर है गाइज सी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इंटरडिपेंडेंस। अगला सवाल है गाइज, ए जी फ्रेंक क्लेम्स दैट द डेवलपिंग कंट्रीज हैव फेल्ड टू डेवलप बिकॉज ऑफ। इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इंटरनल बैरियर्स टू डेवलपमेंट। अगला सवाल है गाइज, द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो आर लोकेटेड इन। इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ब्रुसेल्स। अगला सवाल है गाइज, द पोलिट ब्यूरो इन चाइना इज। गाइज का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी विद कम्युनिस्ट पार्टी। अगला सवाल है गाइज, शिमला एग्रीमेंट वॉज साइनड बिटवीन। ये तो सबको पता होगा गाइज, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। आपका 18th क्वेश्चन है गाइज, सिंगल मार्केट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ विच सुपरा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है गाइज, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट वुमेन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है गाइज, इन रियलिज्म द स्टेट्स आर पावर कॉन्शियस बिकॉज ऑफ। गाइज इसका सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला सवाल है गाइज, द प्रोसेसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन फॉर्मर USSR वेयर इनिशिएटेड बाई। गाइज का सही आंसर है एम गार्बेक्यो, या आप इसको किसी और तरीके से प्रोनाउंस करें, इट्स अप टू यू। अगला सवाल है गाइज, द फेज ऑफ डिटेंट इन कोल्ड वॉर वॉज। इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 1968 टू 1978। आपका अगला सवाल है गाइज, फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए नेशन इज गाइडेड बाई। इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पावर पॉलिटिक्स। आपका अगला सवाल है गाइज,
मॉर्गेंथोस प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म डू नॉट इंक्लूड इन, इसका सही ऑप्शन है गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। 25th क्वेश्चन है गाइस, एक्ट ईस्ट पॉलिसी वाज डेवलप्ड बाय, गाइस इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है गाइस, USSR वाज सक्सीडेड इन UNO बाय, इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर, यस गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रशियन फेडरेशन। अगला सवाल है गाइस, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद न्यू लिबरलिज्म, इसका सही आंसर है गाइस फयाक ए हयाक। अगला क्वेश्चन है गाइस, रिसेंटली इंडिया वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए गाइस यहाँ पर ऑप्शंस में इन्होंने मिस्टेक कर दी है, लेकिन मैं आपको सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, ना कि कॉन्फ्रेंस है, ना ही समिट है, ना ही स्टेट्स है, ना ही काउंसिल है। फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका सही आंसर। आपका अगला सवाल है गाइस, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ, इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज UNSC। आपका अगला सवाल है गाइस, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस डजंट बिलीव इन, इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए कंट्रीज इकोनॉमिक पोजीशन कैन बी अंडरस्टूड विदाउट रेफरेंस टू वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सो गाइस ये था वीडियो का पार्ट फर्स्ट, आज के वीडियो में इतना ही, जुड़े रहें हमारी चैनल के साथ ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए, जल्द ही हम इसका पार्ट टू अपलोड करेंगे, मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।